भाई रोज रोज तो हम शरीर पे एलोवेरा लगा नहीं सकते, लेकिन एलोवेरा बहुत ही ज्यादा गुणकारी होता है, तो क्यों ना हम घर पे ही एलोवेरा का साबुन बना के तैयार कर लें। ये साबुन चंद मिनटों में मुफ्त से कीमत में एलोवेरा का घर पे बनके तैयार हो जाता है। तो चलिए आइए देखते हैं कि इसके लिए कैसे एलोवेरा का साबुन आसानी से बनाया जाएगा। सबसे पहले हमने एकदम फ्रेश एलोवेरा ले ली है और इसके जो एंड के एजेस होते हैं जिनमें हल्के हल्के कांटे होते हैं उनको चाकू की मदद से अलग कर लीजिए। उसके बाद एलोवेरा के छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। एक बड़ा मोटा पूरा एलोवेरा ले लीजिएगा, छोटे हों तो दो तीन ले लीजिए। मोटे में एलोवेरा की मात्रा ज़्यादा होती है तो स्किन के लिए ज़्यादा बेहतर होता है। क्या आप जानते हैं एलोवेरा के स्किन के लिए फ़ायदे कितने अनगिनत हैं? स्किन के लिए एलोवेरा एक औषधि है जो शरीर को हर एक तरीके से अच्छा करने की क्षमता रखती है। एलोवेरा का साबुन बनाने के लिए हमने इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए और इसको आपको फटाफट से मिक्सी में घुमा लेना होगा। यह एलोवेरा का साबुन बहुत ही ज़्यादा मस्त होता है। एक बार आप इस साबुन से नहाएंगे तो आप खुश हो जाएंगे। आगे हमें क्या करना है वो तो पीस के रख लिया है, साथ ही में हमने एक नया और एक यूज्ड साबुन ले लिया है। कोई भी ग्लिसरीन सोप ले लीजिए, किसी भी कंपनी का एक डेढ़ साबुन ले लीजिए और इसको या तो कद्दूकश कर लीजिए या फिर चाकू की मदद से छोटा छोटा काट लीजिए। आसानी से कट जाता है, ग्लिसरीन सोप बहुत ही नरम होता है, इसको काटने में तकलीफ नहीं होती। ग्लिसरीन सोप इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये अच्छा होता है और ये आसानी से कट जाता है, आसानी से पिघल जाता है और ये एकदम ट्रांसपेरेंट होता है, तो इसमें जो हम गुण डालते हैं वो इसको इजीली एक्सेप्ट कर लेता है। इसमें ना कुछ कलर्स होते हैं ना कुछ ज़्यादा एडिटिव्स होते हैं। तो लगभग एक डेढ़ हमने साबुन ले लिया है, घर का पुराना घिसा हुआ पड़ा था और एक नया, दोनों के दोनों को काट लिया है। अब हमें क्या करना होगा, इसको पिघलाना होगा। पिघलाएंगे कैसे वो मैं अभी आपको डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले इसको अच्छे से काट लीजिए। तो जो एलोवेरा का साबुन है दोस्तों, वो शरीर की जो ऊपरी परत है उसको स्वस्थ बनाने की क्षमता रखता है, एक नेचुरल ग्लो देने की क्षमता रखता है, स्किन को ऊपरी परत को रिपेयर करने की क्षमता रखता है, इसलिए हम इसके गुण डाल रहे हैं साबुन में। तो एक गैस के ऊपर हमने कैटल ले ली, उसमें थोड़ा पानी डाला और इसको बॉयलिंग प्रोसेस कहते हैं। ऊपर हमने एक कांच का मोटा बर्तन रखा, जिस तरीके से हम चॉकलेट को मेल्ट करते हैं कुछ उसी तरीके से हमने इस साबुन को मेल्ट कर लेना है। ये लगभग 2 से 3 मिनट में ही अच्छे से मेल्ट हो जाएगा क्योंकि ग्लिसरीन सोप है, इसमें ज़्यादा समय लगता नहीं और ये ऐसे ही सेट भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो चलो इसको अच्छे से मेल्ट होने दें। देखिए हमने ये जो काट के रखे थे मिक्सी में, हमने जो डाले हैं अभी कुछ, उसको भी हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। ये हमने एक्स्ट्रा काट के रखे थे क्योंकि आज इसको मैं पूरी बॉडी पर भी अप्लाई करना चाहता हूँ। एलोवेरा मुझे बहुत अच्छा लगता है और इसीलिए मैंने मिक्सी में भी कुछ घुमाया ताकि ये देखो इसके तत्व हमें मिल जाएँ। तो अब मैं फटाफट से ये सारा जो लिक्विड है इसमें अब डाल दूंगा, मिक्सी में जो घुमा के हमने तैयार करा है। ये अच्छे से मेल्ट हो गया है, डायरेक्ट हमने इसे कभी भी नहीं पकाना दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऐसे ऐसे बॉइलिंग प्रोसेस से पकाना है आराम से। तो ये एलोवेरा का मिश्रण चला गया इस सोप में, बस कुछ भी और नहीं डालना, इसको हल्का सा पकाना है मात्र आधा ही मिनट और उसके बाद फटाफट से मैं गैस बंद करूँगा। इसमें जो भी एलोवेरा मिक्सी में घुमाते वक्त रह गए हों उन्हें आप बाहर निकाल लिए, वैसे रहते नहीं हैं लेकिन कुछ मोटा मोटा कुछ गूदा रह गया हो तो उसे आप निकाल भी सकते हैं और छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, एलोवेरा ही है। गैस बंद कर दिया है अब, और अब इसको नॉर्मल होने दीजिए, ठंडा मत होने दीजिएगा, सिर्फ नॉर्मल होने दीजिए हल्का सा, क्योंकि ठंडे होते तो ये सेट हो जाएगा। उसके बाद आप कोई भी केक मोल्ड ले लीजिए, कोई भी ऐसी चीज़ ले लीजिए जिसमें सेट हो सके, ज़रूरी नहीं है आपको ऐसे ये मोल्ड लेने हैं, सोप के मोल्ड या केक के मोल्ड, आप कुछ भी ले सकते हैं जिसमें आसानी से सेट हो जाए। हमें सोप की शेप देनी थी इसलिए हमने ऐसे मोल्ड लिए, लेकिन आपके लिए कंपलसरी नहीं है। तो देखिए कितनी आसानी से सेट हो गया है, बस इसके ऊपर हम ये जो हाथ का सैनिटाइज़र होता है ना आजकल अल्कोहल स्प्रे, बस ये हल्का सा स्प्रे मार रहे हैं ताकि ऊपर की जो झाग है ना वो ख़त्म हो जाए। इससे झाग अच्छे से ख़त्म हो जाती है और इसमें अच्छे तत्व भी आ जाते हैं जो शरीर को ले अच्छे होते हैं कहीं ना कहीं, तो बस इसके लिए ये क्लिनजिंग देता ही है। तो आप अच्छे से स्प्रे कर लीजिए और उसके बाद आप चाहे तो बाहर सेट होने दें, चाहे तो फ्रिज में सेट होने दें। फ्रिज में बहुत जल्दी सेट हो जाता है तो मैं फ्रिज में रख लेता हूँ और अब निकाल लेता हूँ। 15 ही मिनट के बाद देखिए कितना अच्छे से सेट हो गया है, शानदार। ये सोप आपके सामने है, सारे के सारे निकाल के दिखाता हूँ आपको कितना अच्छे से सेट हुए हैं। ये एलोवेरा का सोप आप भी घर पर ऐसे बना के तैयार कर लीजिए, बेहद ही बढ़िया शानदार ये साबुन है। एलोवेरा के तत्व आ चुके हैं इसमें, तो आपके शरीर के लिए, आपकी स्किन के लिए ये बेहद ही अच्छा गुणकारी साबुन है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अभी आपको लगा के दिखाते हैं कितनी अच्छे से झाग भी निकलती है इस साबुन की।
वीडियो अगर आपको ये फ़ायदेमंद लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि सारे के सारे लोग ये एलोवेरा के तत्व का साबुन जो स्किन के लिए बहुत अच्छा है वो घर पे बना के ऐसे तैयार कर सकें। देखिए आपको इस्तेमाल करके दिखाते हैं, इनकी झाग भी काफ़ी अच्छी बनती है और एलोवेरा के तत्व भी इसमें आ जाते हैं, यही है इसकी खासियत दोस्तों। ये देखिए हल्का सा पानी लेके आपको झग्गी बना के दिखाते हैं, कितनी आसानी से ये साबुन काम भी कर लेता है भाई, है ना शानदार। तो चलिए मैं चलता हूँ दोस्त अपनी अगली ट्रिक के ऊपर जो बेहद ही ज़्यादा खास है। आप देख जाइए साबुन बनाना कितना आसान है और उसके बाद अगली ट्रिक बेहद ही खास मिलेगी आपको। पूजा हो घर में नारियल ज़रूर आते हैं लेकिन उनको छीलना बहुत ही बड़ा मुश्किल का काम हो जाता है, लेकिन अब ये काम मुश्किल का नहीं रहेगा। महज 5 से 10 सेकंड के लिए इसको गैस पे रख लीजिए, थोड़ा सा गर्म कर लीजिए, उसके दोस्तों इसको डाल दीजिए पानी में। आप देखेंगे इसका छिलका कितनी आसानी से उतर जाएगा। पहले हमने आधा तोड़ा, थोड़ा सा गरम करा, आधा थोड़ा और फिर थोड़ा सा गरम करा, इजीली देखिए कैसे पील हो गया है नारियल दोस्तों। अब इसी नारियल को अगर आप चाहते हैं कई ज़्यादा दिनों तक स्टोर करना तो आप क्या कीजिए, इस छोटे छोटे पीसेस कर लीजिए। छोटे छोटे पीसेस करके दोस्तों आप इसको एयर टाइट कंटेनर में ही रखिए। अगर आप इसके छोटे छोटे पीसेस करके एयर टाइट कंटेनर में इसको रख लेंगे और उसके बाद अगर इसको स्टोर करना चाहते हैं लगभग 10 दिन 15 दिन तो इसे कुछ भी नहीं होगा, आप इसे घर के फ्रिज या फ्रीजर में रख लीजिए। अगली ट्रिक की तरफ चले, घर में पैन होते हैं सबके लेकिन नीचे वाली साइड से बहुत ज़्यादा जल चुके होते हैं, हमारा तो एक्सट्रीमली ज़्यादा जल चुका है। इसको वापस से नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए हमने थोड़ा सा इस पर बेकिंग सोडा स्प्रिंकल करा, थोड़ा सा इस पर अब नमक स्प्रिंकल करेंगे। साथ ही में दोस्तों आपके घर टिश्यू पेपर्स तो ज़रूर होंगे, टिश्यू पेपर डाल दीजिए इसके ऊपर। उसका दोस्तों एक कारण है, वो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा कि मैं ये टिश्यू पेपर क्यों डाल रहा हूँ। इस टिश्यू पेपर के ऊपर अब मैं डालूँगा दोस्तों विनेगर। विनेगर बेकिंग सोडा और नमक के साथ बहुत ही अच्छे से रिएक्ट करता है, अब ये इसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा, साफ़ कर लेगा। और अब जब मैं इसको रगड़ूंगा दोस्तों तो इस सारे के सारा जो गंदा हो रखा था तला, जो जला हुआ तला था, जो शाइनीनेस चली गई थी वो वापस से हमारे को मिल जाएगी। और अब इसको मैं किसी भी स्क्रबर की मदद से क्लीन करके आपको दिखाता हूँ एंड रिजल्ट कितने बढ़िया होंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और पेज को फॉलो। ये देखिए फ्रेंड्स एंड रिजल्ट कितना ज़्यादा मेसमराइजिंग है। घर में सरसों के तेल में खाना बनाना तो हम चाहते हैं लेकिन कभी कभी किसी को प्रॉब्लम होती है कि सरसों की जो खुशबू होती है, जो महक होती है, वो खाने में किसी किसी को पसंद नहीं होती, ज़्यादातर लोगों को पसंद होती है। लेकिन अगर आपको नहीं पसंद तो आपको मैं आज एक रामबाण उपाय बताने जा रहा हूँ। इसमें डाल लीजिए थोड़ा सा नमक और इसको कोई भी चीज़ जाने की जीरा प्याज और टमाटर या कोई भी चीज़ डालने से पहले या तड़का लगाने से पहले 2 से 3 मिनट एक्स्ट्रा पकने दें। इसे गैस पे ही रखें नमक डाल के, इससे क्या होगा अच्छे से जब सरसों का तेल पक जाएगा, अच्छे से तैयार हो जाएगा, 2-3 मिनट बाद उसकी महक पूरी तरीके से सब्जी में नहीं आएगी, जा चुकी होगी। जब अब दोस्तों आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी, हमारे लगभग 3 मिनट हो चुके हैं, पूरा का पूरा जल चुका था तेल। अब हम डालेंगे इसमें जीरा प्याज और टमाटर, इससे क्या है सरसों का तेल हेल्दी भी होता है खाने में और अगर आपको सरसों की खुशबू पसंद नहीं तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो चलिए मैं चलता हूँ, वीडियो को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करके जाइएगा दोस्तों।